री और अधिकारियों की अवज्ञा करने की हद तक खुद को अपमानित किया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की है। गवर्नर ने लिखा, महल के ग्रैंड मार्शल ने कटुतापूर्वक शिकायत की है कि बार बार आदेश देने के बावजूद सैनिक सभी प्रांगणों में और यहाँ तक कि सम्राट की खिड़कियों के नीचे भी उपद्रव करते रहते हैं। वह सेना जंगली पशुओं के झुंड की तरह, जो उस चारे को पैरों तले रौंद रही थी जो उसे भूख से बचा सकता था, मास्को में रहने के प्रत्येक अतिरिक्त दिन के साथ बिखर गई और नष्ट हो गई। लेकिन वह चली नहीं गई। यह तभी भागने लगा जब अचानक स्मोलेंस्क रोड पर परिवहन ट्रेनों पर कब्जा करने और टारुतिनो की लड़ाई के कारण पैदा हुई घबराहट ने इसे जकड़ लिया। टारुतिनो की उस लड़ाई की खबर, जिसे नेपोलियन ने अप्रत्याशित रूप से समीक्षा के दौरान प्राप्त किया, ने उसके अंदर रूसियों को दंडित करने की इच्छा जगाई, थियर्स कहते हैं, और उसने प्रस्थान का आदेश जारी किया जिसकी पूरी सेना मांग कर रही थी। मास्को से भागते समय सैनिक अपने साथ वह सब कुछ ले गए जो उन्होंने चुराया था। नेपोलियन भी अपना निजी खजाना साथ ले गया, लेकिन सेना को रोकने वाली सामान गाड़ियों को देखकर वह, थियर्स कहते हैं, भयभीत हो गया। और फिर भी युद्ध के अपने अनुभव के साथ उसने सभी अनावश्यक वाहनों को जलाने का आदेश नहीं दिया, जैसा कि उसने मास्को के पास पहुंचने पर एक निश्चित मार्शल के साथ किया था। उसने उन कलशों और गाड़ियों को देखा जिनमें सैनिक सवार थे और टिप्पणी की, सोबाने को टिप्पणी की कि यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन वाहनों का इस्तेमाल खाद्यान्न, बीमार और घायलों को ले जाने के लिए किया जा सकता है। पूरी सेना की दुर्दशा एक घायल जानवर की तरह थी जो महसूस करता है कि वह मर रहा है और उसे नहीं पता आकी वह क्या कर रहा है। मॉस्को में प्रवेश करने से लेकर उसके नष्ट होने तक नेपोलियन और उसकी सेना की कुशल रणनीति और उद्देश्यों का अध्ययन करना एक घातक रूप से घायल जानवर की मरती हुई छलांग और कांपने की तरह है। बहुत बार एक घायल जानवर सरसराहट सुनकर सीधे शिकारी की बंदूक की ओर दौड़ता है, आगे और फिर पीछे भागता है और अपने अंत की ओर बढ़ता है। नेपोलियन ने अपनी पूरी सेना के दबाव में ऐसा ही किया। टारुतिनो की लड़ाई की सरसराहट ने जानवर को डरा दिया और वह शिकारी की बंदूक की ओर आगे बढ़ा, उसके पास पहुंचा, वापस मुड़ा, डढ़ा और अंत में किसी भी जंगली जानवर की तरह सबसे असुविधाजनक और खतरनाक रास्ते से वापस भाग गया, जहां पुरानी गंध जानी पहचानी थी। उस संपूर्ण काल में नेपोलियन, जो हमें इन सभी आंदोलनों का नेता प्रतीत होता है, जैसे किसी जंगली को जहाज का मुखिया, जहाज का मार्गदर्शन करता प्रतीत हो सकता है, ने एक बच्चे की तरह कार्य किया जो गाड़ी के अंदर दो डोरियां पकड़कर सोचता है कि वह उसे चला रहा है। अध्याय 11। 6 अक्टूबर की सुबह सुबह पियरे शेड से बाहर गया और वापस आते समय दरवाजे के पास रुका और एक छोटे नीले भूरे कुत्ते के साथ खेलने लगा, जिसका शरीर लंबा और पैर छोटे थे और जो उसके इर्द गिर्द उछल कूद कर रहा था। यह छोटा कुत्ता उनके शेड में रहता था और रात में करातेव के पास सोता था। कभी कभी वह शहर में घूमता था लेकिन हमेशा वापस लौट आता था। शायद उसका कभी कोई मालिक नहीं रहा था और वह अब भी किसी का नहीं था और उसका कोई नाम भी नहीं था। फ्रांसीसी उसे अजोर कहते थे। कहानियां सुनाने वाले सैनिक उसे फेमगालका कहते थे। करातेव और दूसरे लोग उसे ग्रे या कभी कभी फ्लैबी कहते थे। मालिक, नाम या नस्ल या किसी निश्चित रंग की कमी से भी नीले भूरे कुत्ते को कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी रोयमदार पूंछ पंख की तरह दृढ़ और गोल थी। उसके बंधे हुए पैर उसके लिए इतने उपयोगी थे कि वह अक्सर एक पिछला पैर उठाकर बहुत आसानी से और तेजी से तीन पैरों पर दौड़ता था, मानो उसे चारों पैरों का इस्तेमाल करने से नफरत हो। हर चीज उसे पसंद थी। कभी वह पीठ के बल लौटता, प्रसन्नता से चिल्लाता, कभी महत्व के विचारशील भाव के साथ धूप में लेटता और कभी लकड़ी के टुकड़े या तिनके से खेलता हुआ उछलता। पियरे के पहनावे में अब एक गंदी फटी हुई कमीज, जो उसके पुराने कपड़ों का एकमात्र अवशेष थी, एक जोड़ी सैनिक की पतलून जिसे कराटेव की सलाह पर उसने गर्मी के लिए टखनों के चारों ओर रस्सी से बांधा था, और एक किसान कोट और टोपी थी। इस दौरान शारीरिक रूप से वह बहुत बदल गया था। अब वह मोटा नहीं लगता था, हालांकि उसके परिवार में अभी भी दृढ़ता और ताकत का आभास होता था। दाढ़ी और मूंछें उसके चेहरे के निचले हिस्से को ढंक रही थीं और बालों का एक गुच्छा जिसमें जूहें लगी हुई थीं उसके सिर के चारों ओर टोपी की तरह लपेटा हुआ था। उसकी आंखों में पहले जैसा दृढ़ निश्चय, शांति और उत्साहपूर्ण सतर्कता थी। पहले की सुस्ती जो उसकी आंखों में भी दिखाई देती थी, अब कार्रवाई और प्रतिरोध के लिए ऊर्जावान तत्परता में बदल गई थी। उसके पैर नंगे थे। पियरे ने सबसे पहले उस मैदान की ओर देखा जिसके पार से उस सुबह गाड़ियां
और घुड़सवार गुजर रहे थे, फिर नदी के उस पार दूर तक, फिर उस कुत्ते को जो उसे काटने के लिए गंभीर होने का नाटक कर रहा था, और फिर अपने नंगे पैरों को देखा जिन्हें वह खुशी खुशी अलग अलग मुद्राओं में रखता था, अपने गंदे मोटे बड़े पैर हिलाता था। हर बार जब वह अपने नंगे पैरों को देखता तो उसके चेहरे पर जीवंत आत्मसंतुष्टि की मुस्कान तैर जाती। उन्हें देखकर उसे उन सभी चीजों की याद आ जाती थी जो उसने इन हफ्तों के दौरान अनुभव की थीं और सीखी थीं, और यह याद उसे सुखद लगती थी। कुछ दिनों से मौसम शांत और साफ था। सुबह के समय हल्की सी बर्फ पड़ रही थी जिसे बूढ़ी औरतों की गर्मी कहा जाता है। धूप में हवा गर्म थी और वह गर्माहट विशेष रूप से सुखद थी क्योंकि हवा में अभी भी सुबह की ठंड की स्फूर्तिदायक ताजगी थी। हर जगह दूर और पास जादुई क्रिस्टल की चमक थी जो सिर्फ शरद ऋतु के उस समय ही दिखाई देती थी। दूर से स्पैरो हिल्स दिखाई दे रहे थे, साथ ही गांव, चर्च और बड़ा सफेद घर भी। नंगे पेड़, रेत, घरों की ईंटें और छतें, हरे चर्च की मीनार और दूर से सफेद घर के कोने, सभी पारदर्शी हवा में सबसे नाजुक रूपरेखा और अप्राकृतिक स्पष्टता के साथ दिखाई दे रहे थे। पास में फ्रांसीसी लोगों द्वारा कब्जा की गई आधी जली हुई हवेली के जाने पहचाने खंडहर दिखाई दे रहे थे जिसमें बाढ़ के पास अभी भी गहरे हरे रंग की बकाइन की झाड़ियां दिख रही थीं, और यहां तक कि वह खंडहर और गंदा घर जो उदास मौसम में घिनौना रूप से बदसूरत था, अब स्पष्ट गतिहीन चमक में चुपचाप सुंदर लग रहा था। एक फ्रांसीसी कॉर्पोरल जिसने घरेलू तरीके से कोट के बटन खोले हुए थे, सिर पर टोपी और मुंह में एक छोटी पाइप लगाई हुई थी, शेड के एक कोने के पीछे से आया और पियरे के पास मित्रतापूर्वक आंख मारते हुए आया। क्या धूप है महाशय किरिल, पियरे के लिए उनका नाम। ए, बिल्कुल वसंत की तरह। और कॉर्पोरल ने दरवाजे के सहारे झुककर पियरे को अपना पाइप देने की पेशकश की। हालांकि जब भी उसने उसे देने की पेशकश की, पियरे ने हमेशा उसे अस्वीकार कर दिया। ऐसे मौसम में मार्च पर होना, उन्होंने शुरू किया। पियरे ने पूछा कि जाने के बारे में क्या कहा जा रहा है, और कॉर्पोरल ने उसे बताया कि लगभग सभी सैनिक रवाना हो रहे हैं और उस दिन कैदियों के बारे में एक आदेश होना चाहिए। पियरे के साथ शेड में मौजूद सैनिकों में से एक सोकोलोव मर रहा था, और पियरे ने कॉर्पोरल से कहा कि उसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। कॉर्पोरल ने जवाब दिया कि पियरे को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास एक एम्बुलेंस और एक स्थायी अस्पताल है और बीमारों के लिए व्यवस्था की जाएगी, और सामान्य तौर पर जो कुछ भी हो सकता था वह अधिकारियों द्वारा पहले से ही अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा महाशय किरिल, आपको कप्तान से सिर्फ एक शब्द कहना है। आप जानते हैं वह एक ऐसा आदमी है जो कभी कुछ नहीं भूलता। जब कप्तान अपना दौरा करे तो उससे बात करें, वह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिस कैप्टन की बात कॉर्पोरल ने की थी, वह अक्सर पियरे के साथ लंबी बातें करता था और उसे हर तरह के उपकार दिखाता था। देखिए सेंट थॉमस, उसने मुझसे दूसरे दिन कहा, महाशय किरिल शिक्षित व्यक्ति हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। वह एक रूसी सेगनर हैं जिन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है, लेकिन वह एक आदमी है। वह जानते हैं कि क्या है। अगर उन्हें कुछ चाहिए और मुझसे पूछेंगे तो उन्हें मना नहीं किया जाएगा। जब कोई पढ़ा लिखा होता है तो आप देखते हैं कि उसे शिक्षा और अच्छे लोगों को पसंद है। यह आपके लिए है महाशय किरिल। उस दिन अगर आप नहीं होते तो वह मामला बुरी तरह खत्म हो जाता। और कुछ देर और बातचीत करने के बाद कॉर्पोरल चला गया। जिस घटना का उसने जिक्र किया था वह कुछ दिन पहले हुई थी, कैदियों और फ्रांसीसी सैनिकों के बीच लड़ाई जिसमें पियरे अपने साथियों को शांत करने में सफल रहा था। पियरे को कॉर्पोरल से बात करते हुए सुनने वाले कुछ कैदियों ने तुरंत पूछा कि फ्रांसीसी ने क्या कहा था। जब पियरे मास्को से सेना के जाने के बारे में जो कुछ भी उसे बताया गया था उसे दोहरा रहा था, तो एक पतला पीला फटा हुआ फ्रांसीसी सैनिक शेड के दरवाजे पर आया। अभिवादन के तौर पर अपनी उंगलियों को तेजी से और डरते हुए माथे पर उठाते हुए उसने पियरे से पूछा कि क्या वह सैनिक प्लेटोचे जिसे उसने एक शर्ट सिलने के लिए दी थी उस शेड में था। एक सप्ताह पहले ही फ्रांसीसियों को बूटों का चमड़ा और लिनन जारी किया गया था जिसे उन्होंने कैदियों को दे दिया था ताकि वे उससे बूट और शर्ट बना सकें। तैयार हो जाओ प्यारे दोस्त, करातेव ने करीने से तह की हुई कमीज पहनकर बाहर आते हुए कहा। करातेव ने गर्मी के मौसम और काम में सुविधा के कारण सिर्फ पतलून और एक फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी जो कालिख की तरह काली थी। उसके बाल गोल बंधे हुए थे कामगारों की तरह, उस पर नींबू के पेड़ की एक पतली पट्टी लगी हुई थी और उसका गोल चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गोल और खुशनुमा लग रहा था। वादा अपने प्रदर्शन का भाई है, मैंने शुक्रवार कहा और यह तैयार है, प्लैटन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी सिली हुई शर्ट को खोला। फ्रांसीसी ने बेचैनी से इधर उधर देखा और फिर जैसे कि अपनी झिझक पर काबू पा लिया हो जल्दी से अपनी वर्दी उतार फेंकी
और शर्ट पहन ली। उसके पीले पतले नंगे शरीर के बगल में एक लंबी चिकनी फूलदार रेशमी वास्कट थी, लेकिन शर्ट नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से डर रहा था कि कैदी उसे देखकर हंसेंगे, और उसने जल्दी से अपना सिर शर्ट में घुसा लिया। किसी भी कैदी ने एक शब्द भी नहीं कहा। देखो, यह अच्छी तरह से फिट बैठता है। प्लेटोन शर्ट को सीधा खींचते हुए बार बार दोहराता रहा। फ्रांसीसी ने बिना अपनी आंखें ऊपर उठाए अपना सिर और हाथ अंदर धकेलते हुए शर्ट की ओर देखा और उसकी सिलाई की जांच की। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यह कोई सिलाई की दुकान नहीं है और मेरे पास कोई उचित औजार नहीं था। और जैसा कि कहा जाता है, एक जूं को मारने के लिए भी औजार की जरूरत होती है, प्लेटन ने गोल मुस्कान के साथ कहा, जो स्पष्ट रूप से उसके काम से प्रसन्न था। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद, फ्रांसीसी ने फ्रेंच में कहा। लेकिन कुछ लिनन बच गया होगा। जब ये आपके शरीर पर फिट हो जाएगा तो यह और भी बेहतर तरीके से फिट होगा, कराटेव ने कहा, अभी भी अपने काम की प्रशंसा करते हुए। आप अच्छे और आरामदायक महसूस करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद बूढ़े साथी। लेकिन जो टुकड़े बचे हैं, फ्रांसीसी ने फिर कहा और मुस्कुराया। उसने एक असाइनमेंट रूबल नोट निकाला और कराटेव को दे दिया। लेकिन जो टुकड़े बचे हैं उन्हें मुझे दे दो। पियरे ने देखा कि प्लेटन फ्रांसीसी की बात को समझना नहीं चाहता था और उसने हस्तक्षेप किए बिना देखा। कराटेव ने फ्रांसीसी को पैसे के लिए धन्यवाद दिया और अपने काम की प्रशंसा करता रहा। फ्रांसीसी ने उन टुकड़ों को वापस करने पर जोर दिया जो बचे हुए थे और पियरे से कहा कि वह जो कहे उसका अनुवाद करे। उसे इन बिट्स की क्या जरूरत है, कराटेव ने कहा, वे हमारे लिए बढ़िया लेग बैंड बनाएंगे। खैर कोई बात नहीं। और कराटेव ने अचानक बदले हुए और उदास भाव के साथ अपनी कमीज के अंदर से छोटे छोटे टुकड़ों का बंडल निकाला और उसे बिना देखे ही फ्रांसीसी को दे दिया। ओह भगवान, कराटेव ने बड़बड़ाया और चला गया। फ्रांसीसी ने लिनन को देखा, एक पल के लिए विचार किया, फिर पियरे को जिज्ञासा से देखा और जैसे कि पियरे की नजर ने उसे कुछ बताया हो, अचानक शर्मा गया और कर्कश आवाज में चिल्लाया, प्लेटोचे, ए प्लेटोचे, इन्हें अपने पास रख लो। और कुछ टुकड़े वापस देते हुए वह मुड़ा और बाहर चला गया। देखो यह देखो, कराटेव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लोगों ने कहा कि वे ईसाई नहीं हैं, लेकिन उनमें भी आत्मा है। यह वही है जो पुराने लोग कहा करते थे, पसीना वाला हाथ खुला हाथ है और सूखा हाथ बंद हाथ है। वह नंगा है लेकिन फिर भी उसने उसे वापस दे दिया है। कराटेव विचार मग्न होकर मुस्कुराया और कुछ देर तक चुप रहा और टुकड़ों को देखता रहा। लेकिन वे भव्य पैर पट्टियां बनाएंगे, प्रिय मित्र, उन्होंने कहा और शेड में वापस चले गए। अध्याय 12। पियरे को बंदी बनाए जाने के बाद 4 सप्ताह बीत चुके थे और यद्यपि फ्रांसीसी ने उसे पुरुषों के कक्ष से अधिकारियों के कक्ष में स्थानांतरित करने की पेशकश की थी, फिर भी वह उसी कक्ष में रहा जहां उसे पहले रखा गया था। जले और तबाह, मास्को में पियरे ने लगभग सभी तरह की कठिनाइयों का सामना किया जो एक व्यक्ति सह सकता है, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य के कारण, जिसके बारे में वह तब तक अचेत था, और विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि कठिनाइयां इतनी धीरे धीरे आईं कि यह कहना असंभव था कि वे कब शुरू हुईं, उसने अपनी स्थिति को न केवल हल्के से बल्कि खुशी से सहन किया। और ठीक इसी समय उसे वह शांति और मन की शांति प्राप्त हुई जिसे पाने के लिए वह पहले व्यर्थ प्रयास करता रहा था। वह लंबे समय से अलग अलग तरीकों से मन की उस शांति, उस आंतरिक सामंजस्य की तलाश कर रहा था जिसने बोरोडिनो की लड़ाई में सैनिकों में उसे इतना प्रभावित किया था। उसने इसे परोपकार में, फ्री मेसनरी में, शहरी जीवन के अपव्यय में, शराब में, आत्म बलिदान के वीरता तकी वीरता पूर्ण कारनामों में और नताशा के लिए रोमांटिक प्रेम में खोजा था। उसने इसे तर्क से खोजा था और ये सभी खोज और प्रयोग उसके लिए विफल रहे थे। और अब बिना सोचे समझे उसने वह शांति और आंतरिक सामंजस्य केवल मृत्यु की भयावहता, अभाव और कराटेव में जो उसने पहचाना था उसके माध्यम से पाया था। फांसी के समय उसने जो भयानक क्षण देखे थे वे मानो हमेशा के लिए उसकी कल्पना और स्मृति से उन उत्तेजक विचारों और भावनाओं को धो चुके थे जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगते थे। अब उसे रूस, युद्ध, राजनीति या नेपोलियन के बारे में सोचना भी नहीं आता था। उसे यह स्पष्ट था कि ये सब बातें उसका काम नहीं थीं और उसे इनके बारे में निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया गया था और इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था। रूस और गर्मी का मौसम एक दूसरे से जुड़े नहीं है, उसने सोचा, कराटेव के शब्दों को दोहराते हुए जो उसे अजीब तरह से सांत्वना देने वाले लगे। नेपोलियन को मारने का उसका इरादा और सर्वनाश के जानवर की षड्यंत्रकारी संख्या की उसकी गणना अब उसे अर्थहीन और हास्यास्पद लगने लगी। अपनी पत्नी के प्रति उसका गुस्सा और यह चिंता कि उसका नाम खराब न हो जाए अब न केवल तुच्छ
बल्कि मनोरंजक भी लगने लगी। उसे इस बात की क्या चिंता थी कि कहीं न कहीं वह महिला अपनी पसंद की जिंदगी जी रही थी, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता था, खासकर उसके लिए, चाहे उन्हें पता चले या नहीं कि उनके कैदी का नाम काउंट बेजुखोव था। अब उसे अक्सर प्रिंस एंड्रयू के साथ अपनी बातचीत याद आती थी और वह उससे पूरी तरह सहमत था। हालांकि वह प्रिंस एंड्रयू के विचारों को कुछ अलग तरह से समझता था। प्रिंस एंड्रयू ने सोचा और कहा था कि खुशी केवल नकारात्मक हो सकती है, लेकिन उसने इसे कड़वाहट और विडंबना के साथ कहा था, जैसे कि वह वास्तव में कह रहा था कि सकारात्मक खुशी की सभी इच्छाएं हमें केवल पीड़ा देने और कभी संतुष्ट न होने के लिए हमारे अंदर प्रत्यारोपित की जाती हैं। लेकिन पियरे ने बिना किसी मानसिक आरक्षण के इस पर विश्वास किया। दुख की अनुपस्थिति, किसी की जरूरतों की संतुष्टि और उसके परिणाम स्वरूप किसी के व्यवसाय यानी किसी के जीवन के तरीके को चुनने की स्वतंत्रता अब पियरे को निस्संदेह मनुष्य की सबसे बड़ी खुशी लगने लगी। यहाँ और अभी पहली बार उसने खाने के आनंद की पूरी तरह से सराहना की। जब वह खाना चाहता था, पीना चाहता था, जब वह पीना चाहता था, सोना चाहता था, जब वह सोना चाहता था, ठंड लगने पर गर्मी का आनंद लेना, जब वह बात करना चाहता था तो किसी साथी से बात करना और एक मानवीय आवाज सुनना, किसी की जरूरतों की संतुष्टि कर, अच्छा भोजन, स्वच्छता और स्वतंत्रता। अब जब वह इन सबसे वंचित था तो पियरे को पूर्ण खुशी लगती थी। और व्यवसाय का चुनाव यानी उसकी जीवन शैली का चुनाव, अब जबकि वह इतनी सीमित हो गई थी, उसे इतना आसान मामला लगता था कि वह भूल गया कि जीवन के आराम की अधिकता व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के सारे आनंद को नष्ट कर देती है। जबकि व्यवसाय के चुनाव में मिली बड़ी स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता जो उसके धन, उसकी शिक्षा और उसकी सामाजिक स्थिति ने उसे उसके अपने जीवन में दी थी, ही व्यवसाय के चुनाव को अत्यंत कठिन बना देती है और व्यवसाय करने की इच्छा और संभावना को नष्ट कर देती है। पियरे के सारे दिवा स्वप्न अब उस समय पर केंद्रित हो गए जब वह आजाद होगा। फिर भी बाद में और अपने जीवन के बाकी समय में वह कैद के उस महीने के बारे में, उन अपूर्णीय, मजबूत, आनंददायक संवेदनाओं के बारे में और मुख्य रूप से मन की पूर्ण शांति और आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में उत्साह के साथ सोचता और बोलता था, जिसे उसने केवल उन हफ्तों के दौरान अनुभव किया था। जब पहले दिन वह जल्दी उठ गया, भोर में शेड से बाहर निकला और वर्जिन के नए कॉन्वेंट के गुंबदों और क्रॉस को देखा, जो पहले तो अभी भी अंधेरे में थे, धूल भरी घास पर पाला, स्पैरो हिल्स और घुमावदार नदी के ऊपर के जंगल दूर बैंगनी रंग में गायब हो रहे थे। जब उसने ताजी हवा का स्पर्श महसूस किया और मॉस्को से मैदान के पार उड़ते कौवों की आवाज सुनी, और जब बाद में पूर्व से रोशनी चमकी और सूरज की किरणें बादलों के पीछे से गंभीर रूप से प्रकट हुई और गुंबद और क्रॉस, पाला, दूरी और नदी सभी खुशनुमा रोशनी में चमकने लगे, पियरे ने जीवन में एक नई खुशी और ताकत महसूस की, जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। और यह न केवल उसके पूरे कारावास के दौरान उसके साथ रहा, बल्कि उसकी स्थिति की कठिनाइयों के बढ़ने के साथ साथ और भी मजबूत होता गया। सतर्कता और किसी भी चीज के लिए तैयार रहने की यह भावना उसके अंदर और भी मजबूत हो गई, क्योंकि उसके साथ ही कैदियों ने शेड में पहुंचने के तुरंत बाद उसके बारे में जो उच्च राय बनाई थी, भाषाओं के ज्ञान, फ्रांसीसियों द्वारा उसे दिखाए गए सम्मान, उसकी सादगी, उससे मांगी गई हर चीज देने की उसकी तत्परता, उसे अधिकारियों को दिए जाने वाले सप्ताह में 3 रूबल का भत्ता मिलता था, उसकी ताकत जो उसने झोपड़ी की दीवारों में कीलें ठोंक कर सैनिकों को दिखाई थी, अपने साथियों के प्रति उसकी सौम्यता और बिना कुछ किए चुपचाप बैठे रहने और सोचने की उसकी क्षमता जो उन्हें समझ में नहीं आती थी, वह उन्हें एक रहस्यमय और श्रेष्ठ व्यक्ति लगा। वही गुण जो उसके लिए बाधा थे, अगर वास्तव में हानिकारक नहीं थे, जिस दुनिया में वह रहता था, उसकी ताकत, जीवन की सुख सुविधाओं के प्रति उसका तिरस्कार, उसकी विमुखता और सादगी, यहाँ इन लोगों के बीच उसे लगभग एक नायक का दर्जा देते थे। और पियरे को लगा कि उनकी राय ने उस पर जिम्मेदारियां डाल दी हैं। अध्याय त्रादी फ्रांसीसी निकासी 6 और 7 अक्टूबर की रात को शुरू हुई। रसोई घर और शेडो को ध्वस्त कर दिया गया, गाड़ियां भर दी गई तथा सैनिकों और सामान ले जाने वाली गाड़ियां रवाना कर दी गई। सुबह 7 बजे एक फ्रांसीसी काफिला मार्चिंग ड्रेस में, शाकोस पहने हुए, बंदूकें, बस्ते और बड़े बड़े बोरे लिए हुए शेड के सामने खड़ा था और पूरे रास्ते में गालियों के साथ जीवंत फ्रांसीसी बातचीत सुनाई दे रही थी। शेड में सभी तैयार थे, कपड़े पहने हुए, बेल्ट पहने हुए, जूते पहने हुए, और बस चलने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। बीमार सिपाही सोकोलोव,
पीला और दुबला, अपनी आंखों के चारों ओर काली छाया के साथ, अकेले नंगे पैर और बिना कपड़े पहने अपनी जगह पर बैठा था। उसकी आंखें उसके चेहरे की दुर्बलता से उभरी हुई अपने साथियों को पूछताछ भरी निगाहों से देख रही थीं, जो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, और वह नियमित रूप से और चुपचाप कराह रहा था। जाहिर है कि यह उसकी पीड़ा नहीं थी जिसने उसे कराहने के लिए मजबूर किया, उसे पेचिश थी, बल्कि अकेले छोड़े जाने के डर और दुहक के कारण। पियरे अपनी कमर में रस्सी बांधे हुए और ऐसे जूते पहने हुए जो करातेव ने उसके लिए चमड़े से बनाए थे, जिसे एक फ्रांसीसी सैनिक चाय की पेटी से तोड़कर अपने जूते की मरम्मत के लिए लाया था, बीमार आदमी के पास गया और उसके पास बैठ गया। तुम्हें पता है सोकोलोव, वे सब नहीं जा रहे हैं, उनका यहाँ एक अस्पताल है। तुम शायद हम दूसरों से बेहतर स्थिति में हो, पियरे ने कहा। हे प्रभु, ओह ये मेरी मृत्यु होगी, हे प्रभु, आदमी ने ऊंची आवाज में विलाप किया। मैं जाकर उनसे सीधे फिर पूछूंगा, पियरे ने कहा और उठकर शेड के दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही पियरे दरवाजे पर पहुंचा, वह कॉर्पोरल जिसने उसे एक दिन पहले पाइप ऑफर किया था, दो सैनिकों के साथ दरवाजे पर आया। कॉर्पोरल और सैनिक मार्चिंग किट पहने हुए थे, उनके पास बस्ते और धातु की पट्टियां लगी हुई थीं, और इनसे उनके जाने पहचाने चेहरे बदल गए। आदेश के अनुसार कॉर्पोरल दरवाजा बंद करने के लिए आया। कैदियों को बाहर जाने से पहले उनकी गिनती की जानी थी। कॉर्पोरल, वे बीमार आदमी के साथ क्या करेंगे, पियरे ने शुरू किया, लेकिन बोलते बोलते ही उसे संदेह होने लगा कि क्या यह वही कॉर्पोरल है जिसे वह जानता था, या कोई अजनबी। कॉर्पोरल उस समय उससे इतना अलग लग रहा था। इसके अलावा जैसे ही पियरे बोल रहा था, अचानक दोनों तरफ से ढोल की तेज आवाज सुनाई दी। पियरे की बातों पर कॉर्पोरल ने भौहें सिकोड़ी और कुछ अर्थहीन कस्में खाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। शेड में आधा अंधेरा छा गया और दोनों तरफ से ढोल की तेज आवाज ने बीमार आदमी की कराह को दबा दिया। ये फिर से, पियरे ने खुद से कहा, और एक अनजाने में उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कॉर्पोरल के बदले हुए चेहरे में, उसकी आवाज की ध्वनि में, ड्रमों की उत्तेजक और बहरा करने वाली आवाज में, उसने उस रहस्यमय निर्दयी शक्ति को पहचान लिया जो लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथियों को मारने के लिए मजबूर करती है। वह शक्ति जिसका प्रभाव उसने फांसी के दौरान देखा था। उस शक्ति से डरना या उससे बचने की कोशिश करना, उन लोगों से विनती करना या उपदेश देना जो उसके उपकरण के रूप में काम करते थे, बेकार था। पियरे अब यह जानता था, किसी को इंतजार करना और सहना था। वह फिर से बीमार आदमी के पास नहीं गया, न ही उसे देखने के लिए मुड़ा, बल्कि झोपड़ी के दरवाजे पर भौहें सिकोड़ कर खड़ा रहा। जब वह दरवाजा खोला गया और कैदी भेड़ों के झुंड की तरह एक दूसरे से टकराते हुए बाहर निकलने के रास्ते में घुस गए, तो पियरे ने आगे बढ़कर उसी कैप्टन के पास पहुंचा जो कॉर्पोरल ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कैप्टन भी मार्चिंग किट में था और उसके ठंडे चेहरे पर वही बात दिखाई दे रही थी जिसे पियरे ने कॉर्पोरल के शब्दों और ड्रम की आवाज में पहचाना था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कप्तान ने सख्ती से भौहें सिकोड़ते हुए और अपने पास से गुजर रहे कैदियों की ओर देखते हुए दोहराया। पियरे उसके पास गया, हालांकि वह जानता था कि उसका प्रयास व्यर्थ होगा। अब क्या, अधिकारी ने ठंडी नजर से पूछा, जैसे पियरे को पहचानना ही रहा हो। पियरे ने उसे बीमार आदमी के बारे में बताया। वह चलने में कामयाब हो जाएगा, शैतान उसे ले जाए, कप्तान ने कहा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उसने पियरे की ओर देखे बिना कहा। लेकिन वह मर रहा है, पियरे ने फिर कहना शुरू किया। इतना अच्छा बनो, कप्तान ने गुस्से से भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाया। ड्रम दादा, डैम डैम डैम, ड्रम बजने लगे और पियरे समझ गया कि इस रहस्यमय शक्ति ने इन लोगों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, और अब इससे अधिक कुछ कहना बेकार है। अफसर कैदियों को सैनिकों से अलग कर दिया गया और आगे चलने को कहा गया। पियरे सहित लगभग 30 अफसर और लगभग 300 सैनिक थे। दूसरे शेड से आए अधिकारी पियरे के लिए अजनबी थे और उससे कहीं बेहतर कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने उसे और उसके जूतों को अविश्वास से देखा, जैसे कोई अजनबी हो। उससे कुछ ही दूरी पर एक मोटा मेजर चल रहा था जिसका चेहरा पीला, फूला हुआ और गुस्से से भरा था, जिसने एक तौलिया से बंधा हुआ कजान ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था और जाहिर तौर पर उसे अपने साथी कैदियों का सम्मान प्राप्त था। उसने एक हाथ जिसमें उसने अपनी तंबाकू की थैली पकड़ी हुआ